वेलकम टू स्लीपी क्लासेस आज हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि रिसेंटली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है एंड साथ ही साथ क्या फोकस कर रही है कि जितनी भी जेनेटिकली डिजीजेस पास ऑन हो रही हैं सोसाइटी में उसे एक परमानेंट क्योर दिया जा सके ताकि ह्यूमन की जो लाइफ है बेटर सिचुएशन में हो सके सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि कोविड नाइनटीन जो है उसके थ्रू बहुत सारी ऐसी नई डिजीजेस जो है वो भी अनवील हुई हैं एंड कुछ ऐसे जेनेटिक डिजीजेस भी हैं जो और भी ज्यादा खराब स्थिति में चली गई ड्यू टू तो द इंटरफेरेंस ऑफ कोविड नाइनटीन सो so, ऐसी न्यू डिजीजेस के लिए परमानेंट क्योर्स ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड सिमिलर काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी से जिजोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी या सीआरआईस भी कहा जा रहा है उसे डेवेलप किया गया है ताकि इंप्रूव की जा सके क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल सो अब ये टेक्नोलॉजी है क्या इसको ओवरव्यू बता देते हैं कि ये एडिट द जेनेटिक कोड लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे काम करती है यानी कि जो बैड जेनेटिक कोड है जिस वजह से वो बीमारी फैल रही है उसे एडिट करके करेक्ट जेनेटिक इंफॉर्मेशन से हम रिप्लेस कर देंगे सो क्लिनिकल ट्रायल्स जो है इसके बहुत ज्यादा किए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू यूएसए की बात करें तो वहां पर बहुत ज्यादा रिजल्ट अच्छे भी मिले हैं सो जेनिफर

उसी तरीके को उसी को ही जहां पे प्रॉब्लम है उसे मॉडिफाई करके एक नेचुरल मैकेनिज्म के थ्रू हम क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे सो so, कुछ ऐसे वायरल जो डिजीजेस है या इवन कुछ ऐसे वायरसेस भी होते हैं वो भी ऐसे सिमिलर टेक्नोलॉजी से क्या करते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं वायरल इन्फेक्शन को फैलाते हैं राइट सो एक रिजल्ट so, जो भी हमारी डीएनए में बैड स्ट्रेच है जिस वजह से वो प्रॉब्लम या वो डिजीज फैल रही है बॉडी में वो लोकेट की जाती है एंड उसे कट डाउन किया जाता है कट डाउन किस थ्रू किया जाता है दैट इज कैस नाइन जो की जेनेटिक सीजर्स जिसका नाम दिया गया है उसके थ्रू इसे कट डाउन किया जाता है so, अब जब रिप्लेसमेंट की बात आती है, तो बॉडी की ये टेंडेंसी रहती है कि वो रिप्लेस करे हील करे खुद को है ना तो अब रिप्लेसमेंट या जो हीलिंग प्रोसेस है उसमें हो सकता है कि जो बैड स्ट्रेच है वापस से रीग्रो कर जाए क्योंकि हमारे डीएनए में वापस वही चीज सेव रहती है सो इन दिस सिचुएशन जो करेक्ट सीक्वेंस है उसे एड ऑन किया जाता है विद द इंटरफेरेंस ऑफ फर्दर बायो केमिकल एज वेल ताकि जो अब रिप्लेसमेंट आ रही है वो में हो, जिस से ये या आगे ना फैले इसलिए सो अब इसके एडवांटेजेस क्या है जितने भी मैंने आपको बताया जेनेटिक डिजीजे या जेनेटिकली कॉजिंग डिजीजे जो आगे फर्दर जनरेशन में फैलती है एक परमानेंट उसे मिल जाएगा सो एज रिजल्ट मैक्सिमम जो सक्सेस रेट देखा गया है सिकल सेल अनिमिया के केस में देखा गया है सिमिलरली आई डिजीजेस के लिए भी यूज किया जा सकता है सेवरल टाइप्स ऑफ कैंसर के लिए भी डायबिटीज एच आई वी लिवर एंड हार्ट डिजीजेस एज वेल well, सो so अब इसके लिए कुछ प्रॉब्लम या इश्यूज भी हैं कि फर्स्ट चीज है कि इसका मिस यूज किया जा सकता है तो अब छोटा सा अगर आप देखिए डीएनए या आर एन ए का पीस जब कट डाउन किया जाता है उसे तो जब रिप्लेस किया जाएगा तो जो जो रिप्लेसमेंट है क्या कर सकते हैं ह्यूज चेंजेस लेके आ सकते हैं टू ह्यूमन बिहेवियर एज वेल सो एक सिमिलर ऐसा केस हुआ था डिजाइनर बेबी का केस फर्स्ट डिजाइनर बेबी केस इन टू तो चाइनीज साइंटिस्ट ने क्या किया एम्ब्रियो में ही या एम्ब्रियो के डीएनए में ही चेंजेस कर दिए सो एज ए रिजल्ट जो ट्रेड है उस बच्चे का जो पैदा हुआ होगा वो अगले जनरेशन में भी पास ऑन हुआ ही होगा या होगा ही होगा तो दैट ट्रेड कैन बी गुड एज वेल एंड कैन बी बैड एज वेल सो अब फिलहाल जो ये हमारी सी आर आई एस पी आर टेक्नोलॉजी है वो क्योर करना चाहती है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिजीजेस को ना कि ऐसे सुपर ह्यूम को बनाना चाहती है जो कि फर्दर ह्यूमैनिटी के लिए ही एक कंसर्न खड़ा कर दे सो इट वॉज अ बिग कंसर्न फॉर द सोसाइटी एंड द साइंटिस्ट एट लाज। सो so, आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच